बिग मोमेंट टू देम। और हमारे गेस्ट भी आ जाएं, बद्री आलम भाई और सारे लोग जो अब हम चाहते हैं कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह का भी इस्तकबाल करें। हेलो मैं गुजारिश करता हूं हमारे चीफ गेस्ट टीटू भाई वो स्टेज पे आ जाओ। पप्पू भाई बहुत अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि युवराज साहब का हुक्म भी है कि टीटू साहब और चेयरमैन साहब यहां पे आ जाएं स्टेज पे, और वॉलंटियर से अनुरोध है, मेरा गुजारिश है कि उन्हें बाइज्जत लेके आया जाए। हमें चाहता हूँ कि शाबान भाई दो लफ्ज बोल दे, उसके बाद तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया जाए। चेयरमैन साहब भी आ जाए, शाबान अली साहब दो यहाँ पे इस ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन के संयोजक अकमल भाई और उनकी सभी टीम के सदस्यों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतना खूबसूरत और इतना बड़ा प्रोग्राम तुलसीपुर की सरजमीन पे किया। यहां पे उपस्थित हमारे अली साहब, हमारे महाराजा सर जिनकी रियासत में हम लोग हैं, जो हमारे आदरणीय और हमारे पिता तुल्य हैं, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। और ये पहला ऐसा अवसर है जब हमारे बीच में हमारे राज परिवार का कोई महाराज हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। आज मुझे इस जी महाराज के सुपुत्र साहब आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, ये बड़े गर्व की बात है। और इस मंच का सबसे बड़ा गौरव आज ये है कि हमारे राज परिवार के जो है महाराज के सुपुत्र साहब हमारे बीच में हैं। मैं किन शब्दों में अपने राज परिवार का शुक्रिया अदा करूं ये मेरे समझ में नहीं आता। और इस मंच पे हमारे इतने बड़े बुजुर्ग, हमारे शायर जितने भी सब बैठे हुए हैं, सबको मेरा सलाम, सबको मेरा प्रणाम। रहा सवाल हिंदू मुस्लिम एकता की बात, तो ये ऐसा कल्चर है यहाँ हमारे यहाँ तुलसीपुर बलरामपुर या बलरामपुर जिले का कि यहाँ न हिंदू न मुसलमान, यहाँ केवल इंसान बसते हैं। और इंसान इंसान जहाँ बसते हैं वहीं जो है भाईचारा दिखता है और वहीं सबका सम्मान रहता है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना बोल करके, क्योंकि मुझे दो शब्द कहने के लिए भेजा गया था, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा गया और आपके सामने पेश किया गया, आपके सामने मुझे बोलने का मौका मिला। मैं इन बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नाम लूंगा क्योंकि उन्हें जिन लोगों का मैं नाम लूंगा वो किसी ना किसी फील्ड में बहुत एक्टिव हैं, और मैं नाम लूंगा फौरन आए और अपना अवार्ड लेकर के फौरन यहाँ से चले आए। मैं नाम लेता हूँ जनाब सलील सिंह टीटू साहब, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के, वो आए और उन्हें मोमेंटो ये सर सैयद अहमद अवार्ड दिया जाए। सलील सिंह टीटू साहब, अली भाई साहब, आप अली भाई, मालूम
जी सलील सिंह टीटू साहब, फिरोज पप्पू साहब, निर्माण चेयरमैन, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो आए और अपना मोमेंटो ले। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया नगर में और जितना काम 65 सालों में इस बार हुआ कभी नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ मोमेंटो दिया जाए और माला बढ़ाया जाए। सिर्फ 10 मिनट का काम है, उसके बाद पूरी रात मुशायरा चलेगा, आप सुनेंगे हम और हम लोग आपके दरमियान नहीं आएंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ संतोष भाई जो अनुराग यादव की जगह है, उनके छोटे भाई है, वो आगे आए। और अनुराग यादव भाई जो एक ऐसा नाम है, काफी एक्टिव है यहाँ इस इलाके में, मैं चाहता हूँ माला बढ़ाए। संतोष भाई, उसके बाद मैं चाहता हूं हमारे हरदिल अजीज भाई बदर आलम खान साहब, जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी नगर, वो आए और उन्हें अली भाई अवार्ड दें और इस्तकबाल करूं उनका। उसके बाद चाहता हूं हिंदू मुस्लिम एकता के एक बहुत अहम बुनियाद जनाब शाबान अली भाई, वो आए और उन्हें अवार्ड से नवाजा जाए। हमारे हरदिल अजीज दोस्त जो बिहार प्राइड अवार्ड से नवाजे भी जा चुके हैं, और अभी जब बिहार में सैलाब आया था तो उन्होंने बहुत सारी मदद भी की थी। फिल्मी दुनिया का एक बहुत ही अच्छा नाम भी है और काफी लोगों ने जानते हैं जनाब शाबान अली भाई और मोहम्मद जहांगीर उर्फ शाबान अली, वो आए और अली भाई से को नवाजे। मोहम्मद जहांगीर भाई, मीडिया के लोगों से इल्तिजा है कि वो कोऑपरेट करें। अली भाई हमारी एक जुबान कहने पे यहाँ पे आए क्योंकि उन्होंने कहा जो जो जमीन सरदार जाफरी की हो, अली सरदार जाफरी की, जहाँ पे पद्मश्री बेकल उत्साही जैसे लोग जन्मे हो, वहां पे अगर मैं नहीं आऊंगा तो शायद मैं अपनी मिट्टी का कर्ज नहीं अदा कर पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसके बाद चाहता हूँ कि उमर शकील अहमद खान साहब SP लखनऊ, शायद वो हमारे दरमियान नहीं मौजूद है, इसरार खान साहब युवा नेता NCP मुंबई, जो खास मुंबई से इस प्रोग्राम के लिए आए हैं और उनका इस यहाँ से गहरा ताल्लुक है, वो आए और उन्हें नवाजा जाए। हमारे दोस्त अरशद खुर्शीद साहब, अरशद खुर्शीद भाई वो बहुत अच्छे इंसान हैं और इटवा के लोग। शादाब अहमद कहीं मौजूद हो तो वो आ जाए। कमालुद्दीन खान भाई जो इस मुशायरे के कन्वेनर हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने उन्हीं के बदौलत ये मुशायरा आज अपने रूह रवा पे है। मैं चाहता हूँ कि उनको एक एजाज दिया जाए अली भाई और सम्मानित करें। मैं चाहता हूँ हारून रशीद भाई जो बहुत ही एक्टिव है, बस 10 मिनट का वक्त है और वो आए और करें। रईस अंसारी साहब जो मुंबई से तशरीफ लाए इस मुशायरे के लिए, खास करके कि बहुत कामयाब बिजनेसमैन, उनसे गुजारिश है। अख्तर हुसैन साहब जो कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं, उनसे गुजारिश है वो आए। और अब उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अपने युवराज बल्लामपुर के जो हमारे वो और अली भाई एक साथ एजाज दें, युवराज विजेंद्र प्रताप सिंह साहब। 5 मिनट और लगेंगे तकरीबन, उसके बाद फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा और मुशायरा अपनी कामयाबी के साथ। अल्ताफ जिया भाई और खुर्शीद हैदर साहब आ चुके हैं। अब मैं गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर मोहम्मद जफर खान मोहम्मदी साहब आए और अली भाई को सम्मानित कर रहा हूं। जफर मोहम्मदी, डॉक्टर इश्तियाक अहमद खान साहब स्टार हॉस्पिटल, अफरोज खान रिंकू साहब आए, उनसे गुजारिश है कि वो अली भाई को। आनंद कुमार सिंह अन्नू साहब, शाहिद खान प्रधानमंत्रीपुर, और शफीक प्रमुख साहब, उनसे गुजारिश है वो स्टेज पे आए और अली भाई के हाथों। अफरोज खान भी, मेरी गुजारिश है
सहरसा से मोहम्मद जहांगीर भाई के बेहद अजीज रिश्तेदार और वो बहुत ही एक अच्छे इंसान है, समाज सेवी गुड्डू हयात भाई, वो बिहार से आए भाई इस मुशायरे के लिए। मैं चाहता हूँ विजेंद्र प्रताप सिंह साहब और अली भाई उनको नवाजें। हमारे बेहद अजीज साथी इरशाद आलम खान डब्बू भाई जो युवा समाज सेवी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो भी स्टेज पे आए। मोहम्मद जफर खान मोहम्मदी साहब, शफीक प्रमुख साहब यहाँ पे आए, डॉक्टर इश्तियाक साहब जुड़ी कुनिया, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। डॉक्टर साहब की खूबी ये भी है कि प्रोग्राम चाहे कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, अगर एक बार उन्हें बुला लिया जाए तो वहां पे पहुंचते जरूर हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द आए और यहाँ पे सम्मान करें अली भाई साहब का। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर हैं अफरोज खान साहब, इन लोगों ने बहुत मेहनत से इस मुशायरे को यहाँ तक पहुँचाया, मैं चाहता हूँ वो भी आए और अली भाई को सम्मानित करें। बस सिर्फ 5 मिनट मुश्किल से, उसके बाद क्योंकि पूरी रात मुशायरा चल रहा है। नहीं नहीं वो नहीं, सिर्फ ये सिर्फ कुछ अवार्ड है, सिर्फ वही बटे बाकी सबके पास। नहीं नहीं सिर्फ इतने अवार्ड है। दरअसल यहाँ पे बहुत सारी समाजी सियासी शख्सियत हैं, उनको अल्ताफ जिया भाई हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हमारे हरदिल अजीज बहुत ही अजीम रहनुमा है, और अब मैं चाहता हूँ आनंद कुमार सिंह अन्नू साहब अगर हूँ यहाँ पे, चलिए शफीक पर। अब बाकी मैं चाहता हूँ कि कमेटी के लोग जो अली खान साहब को एक अवार्ड उन्हें नवाजें। विजेंद्र प्रताप सिंह साहब, बस एक मिनट का वक्त और लगेगा। आप गुजारिश है मैं चाहता हूं एक एजाज मैं चाहता हूं एक एजाज ठाकुर विजेंद्र कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह साहब को दिया जाए और कि वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए। विजेंद्र प्रताप सिंह साहब, अली भाई आप उन्हें अपने हाथों से नवाजें। जयेंद्र प्रताप सिंह, माफी चाहता हूं जयेंद्र प्रताप सिंह साहब। अब इस अवार्ड का इख्तिताम होता, मैं चाहता हूं खिताबी कलमा के लिए मैं चाहता हूं कि हारून रशीद भाई आए और दो बातें कह कहे, उसके बाद मुशायरे का शुरुआत हो। विकास भाई के हाथ में उसके बाद ये माइक दिया जाएगा और फिर उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अफरोज साहब आ चुके हैं, अफरोज भाई एहसास दे। अफरोज और शादाब रफी खान आरजू को, उसके बाद मुशायरे की कार्रवाई शुरू की जाए। शादाब रफी खान आरजू, शादाब रफी खान आरजू, शादाब रफी खान आरजू। अब मैं हारून रशीद भाई से कहता हूं कि आप दो बात कह करके इस मुशायरे के बारे में, फिर मुशायरे की कार्रवाई शुरू की जाए और विकास भाई उसके बाद किसी भी तरह की कोई अड़चन ना हो आप अच्छे से संचालन करें। हारून रशीद भाई, और मैं एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस मुशायरे को एक बेहतर मुकाम पर पहुंचाया। आप यहां पे इतनी तादाद में मौजूद हैं, यकीन जानिए कि यहां पे मुशायरा कराना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर बहुत बहुत शुक्रिया साहब के लिए हो जाएं। और बस एक दो मिनट का और आपसे मैं वक्त बीच में चाहता हूं भाई।
अकमल बलरामपुरी साहब की मोहब्बतें हैं जो इतने मेहमान हमारे डाइस में हैं। एक बार जोरदार तालियां तो पहले अकमल भाई के इस संयोजन के लिए। और अभी हाल में आपके नगर के जो बहुत ही चहेते शायर है भाई अकमल बलरामपुरी साहब, दुबई के मुशायरों में इन्होंने शिरकत की है, और जितने भी वॉलंटियर्स हैं और हमारे बीच में अली खान साहब, आदरणीय कुंवर साहब, जितने भी हमारे मेहमान हैं वो उनका इस्तकबाल, उनका स्वागत, उनका सम्मान करना चाहते हैं। और अली खान साहब जाना भी चाहते हैं, उन्हें किसी विशेष कार्यक्रम में और जाना है, कुंवर साहब भी जाना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि दो मिनट का वक्त आपसे चाहता हूं कि भाई आपके नगर के चहेते शायर भाई अकमल बलरामपुरी का सम्मान हो जाए, उसके बाद ये मुशायरा विधवत चलेगा। अकमल भाई दरअसल बहुत बहुत माजरत चाहता हूं क्योंकि अली भाई और कुंवर साहब को निकलना है किसी खास जरूरी काम से, तो वो तो आ भी नहीं रहे थे लेकिन खुसूसी गुजारिश पे आए थे। हमारे लिस्ट में पांच चार लोग जो बहुत अहम हैं और जिनके नाम से शाम थी तो वो छूट गए थे, हम चाहते हैं वो सम्मान लेने दे दें और उसके बाद चले जाएं। जखामत अली उर्फ लड्डू चचा जो एक सीनियर पत्रकार भी हैं और मुशायरा कमेटी दादिया के अध्यक्ष हैं, मैं चाहता हूँ वो आ जाए। और फैसल फरीदी साहब जो पत्रकार हैं, मैं चाहता हूँ वो आ जाए। और जी, और उसके अलावा जफर मोहम्मदी भाई जो फरान स्पोर्ट्स एसोसिएशन के बहुत ही सरगर्म कारकुन है वो आ जाए, बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता है। और अकील अहमद चचा जो सदारत कर रहे हैं इस मुशायरे की, उसके बाद अली भाई वगैरह चले जाएंगे और ये मुशायरा फिर पूरी रात चलेगा अपने हिसाब से। कुंवर साहब अभी अल्ताफ जिया साहब और खुर्शीद हैदर साहब मोहतरमा चांदनी शम में बाकी हैं जी, मैं चाहता हूं लड्डू चचा। जफर मोहम्मदी साहब हमारे बड़े भाई भी हैं और इस मुशायरे को कराने में उनका बहुत अहम रोल है। मोहम्मद जफर मोहम्मदी साहब वो यहाँ पे तशरीफ ले आए। अकील अहमद चचा जो गन्ना समिति चेयरमैन है, और मैं चाहता हूं बस अकील अहमद साहब, जफर मोहम्मदी भाई कहीं भी हो, जफर मोहम्मदी भाई अब मैं अपने अतिथियों से निवेदन करता हूं, आदरणीय कुंवर साहब से और अली खान साहब से। जफर भाई आ चुके हैं जो सोशल वर्क, अली खान साहब, अली भाई, उसके बाद और वॉलंटियर से मैं गुजारिश करूंगा इन्हें बाहिफाजत पहुंचाया जाए वहां पे। अली खान साहब और कुंवर साहब अब मैं निवेदन करता हूं अपने कमेटी के सभी वॉलंटियर्स से कि और आदरणीय अली खान साहब से, कुंवर साहब से, कि अपने नगर के, अपने जनपद के एक बहुत ही चहेते शायर भाई अकमल बलरामपुरी का उनका स्वागत सम्मान करें। आदरणीय कुंवर साहब अकमल भाई का सम्मान हो रहा है, आपकी तालियां उनके सम्मान में उठनी चाहिए। हाँ